बीएससी सेकंड ईयर के पेपर थर्ड इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के दो वीडियो में हमने पहली यूनिट इम्यूनोलॉजी के प्रथम चैप्टर के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें इम्यूनिटी क्या है और इम्यूनिटी किस प्रकार की है, कौन कौन से प्रकार है, उनके बारे में जाना था। आज हम सेकेंड चैप्टर एंटीजन के बारे में पढ़ेंगे कि एंटीजन क्या है और ये किस प्रकार से है, इसके प्रकार कितने हैं। कोई भी बाह्य पदार्थ जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है और जिसके कारण हमारा प्रतिरक्षी तंत्र उत्तेजित हो जाता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, एंटीजन कहलाता है। ठीक, ग्रीक भाषा के रूप में ये एंटी माने अगेंस्ट और जेनोस माने बर्थ, मतलब एक अगेंस्ट क्रिया जो उत्पन्न होती है वो एंटीजन कहलाता है। इसे हम एंटीबॉडी जनरेटर के रूप में भी जानते हैं कि ये एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, इसलिए एंटीजन कहलाता है। एंटीजन इज एनी सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट विद टी एंड बी लिम्फोसाइट, टी और बी लिम्फोसाइट्स के साथ जो क्रिया कर सकता है वो एंटीजन है। और सिंपल रूप में देखें तो ये एक प्रकार से मैक्रोमोलिकुल्स है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, फॉस्फोलिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के रूप में हो सकता है। एक दूसरी टर्म और इसके साथ आती है जिसे बोलते हैं इम्यूनोजेंस। इम्यूनोजेंस आर सब्सटेंसेस दैट जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स, प्रतिरक्षी तंत्र को जो उत्तेजित करता है वो इम्यूनोजेंस कहलाता है। जब हम केवल प्रतिरक्षी की बात करते हैं तो प्रतिजन या एंटीजन वे बाह्य पदार्थ हैं जो प्रतिरक्षी तंत्र को सक्रिय कर प्रतिरक्षी कोशिकाएँ या प्रतिरक्षी बनाने हेतु प्रेरित करते हैं। ये वे रासायनिक पदार्थ हैं जो प्राणी के देह में प्रवेश करने पर उद्दीपन का कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रतिरक्षी बनने की विशिष्ट क्रिया होती है। इम्यूनोजन शब्द का प्रयोग भी लगभग इसी संदर्भ में किया जाता है, जिसका आशय है प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को उकसाना या उत्तेजित करना। हेप्टेंस एक नाम और आता है, हेप्टेंस ये भी एक प्रकार की एंटीजन है, स्मॉल मोलिकुल्स हैं विच कुड नॉट नेवर इंड्यूस ए इम्यून रिस्पॉन्स। ये प्रतिरक्षी तंत्र को जब तक उत्तेजित नहीं कर सकते जब तक ये किसी बाह्य बड़े मोलिकुल्स के साथ जुड़ नहीं जाते। हेप्टेंस के रूप में डाइनाइट्रोफिनाइल, अमीनोवेंजिन सल्फोनेट और आर्सोनेट वगैरह आते हैं। इसी प्रकार हेप्टेन कैरियर मोलिकुल्स हैं, ये भी इम्यूनोजेंस के रूप में काम करते हैं। किसी भी एंटीजन का वह पार्ट जो एंटीबॉडी से क्रिया करता है या जुड़ता है एपिटोप्स कहलाता है। इसका मतलब किसी भी एंटीजन्स में एक या एक से अधिक एपिटोप्स हो सकते हैं। दस ए सिंगल एंटीजन कैन बाइंड टू मेनी डिफरेंट एंटीबॉडीज विद डिफरेंट बाइंडिंग साइट। एक सामान्य एंटीजन विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडीज को अलग अलग समय में बाइंड कर सकता है, जुड़ सकता है। एपिटोप्स इज डिफाइंड एज द इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव रीजन ऑफ एन इम्यूनोजन दैट बाइंड टू एंटीजन स्पेसिफिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर ऑन लिम्फोसाइट और सीक्रेटेड एंटीबॉडी। अर्थात एंटीजन का वह पार्ट जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है और इम्यूनोजन के रूप में काम करता है एपिटोप्स कहलाता है, और एंटीबॉडी का जो पार्ट एपिटोप्स के से रिएक्ट करता है वो पैराटोप कहलाता है। तो एपिटोप और पैराटोप के बीच में क्रिया होती है। जब भी हम एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया की बात करते हैं इसका मतलब एपिटोप और पैराटोप आपस में जुड़े हैं, संपर्क में हैं। यहाँ एपिटोप्स दो प्रकार के होते हैं, एक बी सेल एपिटोप्स कहलाता है, दे आर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट रिकॉग्नाइज बाई बी सेल्स के द्वारा, और टी सेल रिसेप्टर, ये टी सेल रिकॉग्नाइज अम्यूनो एसिड इन प्रोटीन्स बट डू नॉट रिकॉग्नाइज पॉलीसेक्राइड और न्यूक्लिक एसिड। एंटीजन्स की कुछ विशेषताएं, जिसमें से दो प्रमुख विशेषता हैं इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी मतलब प्रतिरक्षा जनत और एंटीजेनिसिटी मतलब प्रतिजेनिकता। इम्यूनोजेनिसिटी की जब बात करते हैं इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ एन एंटीजन टू एलिसिट एन इम्यून रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वी सेल और टी सेल रिस्पॉन्स। जब भी एंटीबॉडी को उत्तेजित एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रतिरक्षी तंत्र को उत्तेजित किया जाता है और फिर उनके साथ जुड़ते हैं, ये कहलाते हैं इम्यूनोजेनिसिटी।
एंटीजेनिसिटी इट मीन्स जस्ट द एबिलिटी टू कंबाइन स्पेसिफिकली विद द प्रोडक्ट्स ऑफ द एवोक रिस्पॉन्स। ये इवोक नहीं कर पाते लेकिन उन प्रतिरक्षी तंत्र के साथ जुड़ने की क्षमता रखते हैं। तो ऑल मॉलिक्यूल्स दैट आर इम्यूनोजेनिक आर एंटीजेनिक। जो इम्यूनोजेनिक हैं वो एंटीजेनिक भी होंगे, बट ऑल एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड इम्यूनोजेनिक। लेकिन जो एंटीजेनिक गुण जिनमें हैं वो इम्यूनोजेनिक हों ऐसा जरूरी नहीं है। हेप्टेन कैन बी सेट टू लैक इम्यूनोजेनिक। हेप्टेन में एंटीजेनिक गुण होता है लेकिन इम्यूनोजेनिक गुण नहीं होता है, ठीक है। वो इम्यूनोजेनिक गुण जब भी होता है जब किसी बड़े मॉलिक्यूल्स के साथ वो जुड़ता है तब इम्यूनोजेनिक गुण उसमें आता है। इम्यूनोजेनिसिटी के लिए कुछ विशेषता हैं, तभी वो प्रतिजन या एंटीजन इम्यूनोजेनिक हो सकते हैं। जब फॉरेननेस हो, ऐसा सब्सटेंस हो जो उस बॉडी के बाहर का हो, मॉलिक्यूल साइज मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन हो, मोलिकुलर 10,000 डाल्टन या उससे अधिक हो, बड़ा मॉलिक्यूल होगा तभी वो होगा। बाहर का पदार्थ हो, बड़ा मॉलिक्यूल हो, केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी हो, ठीक है, उसकी जो संरचना है वो थोड़ी सी जटिल हो, ठीक है, डिग्री ऑफ केमिकल प्रोटीन्स लाइपोप्रोटीन्स लाइपोपॉलीसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड आर गुड एग्जाम्पल ऑफ एंटीजन्स। इसके साथ स्टेबिलिटी हो, हाईली स्टेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल सम प्लास्टिक्स मेटल्स और चेन्स और डी अम्यूनो एसिड आर नॉट इम्यूनोजेनिक्स। टाइप्स ऑफ एंटीजन्स, ये जब एंटीजन्स इम्यूनोजेंस की बात करते हैं तो कुछ टाइप्स हैं जिनको हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट कहलाता है कंप्लीट एंटीजन, ये वो एंटीजन है जो इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इट कैन एविल टू इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन, हैंस कॉल्ड एज इम्यूनोजेंस। प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक एंड ऑब्जर्वेबल रिएक्शन विद द एंटीबॉडीज सो प्रोड्यूस। इनकम्प्लीट एंटीजन ये वो हैं जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन तो करते हैं लेकिन इवोक नहीं कर सकते। हैप्टेन इट बिकम इम्यूनोजेनिक वाई कंबाइनिंग विद ए लार्ज मोलिकुल नेमली कैरियर। किसी ऐसे मोलिकुल्स के साथ जब हैप्टेन जुड़ जाता है तब वो इम्यूनोजेनिक हो जाता है, वरना ये एंटीजेनिक गुण इसमें रहता है। हैप्टेन्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉम्प्लेक्स हैप्टेन्स है जिसमें दो और अधिक एपिटोप्स होते हैं, सिंपल हैप्टेन्स है कंटेन्स ओनली वन एपिटोप जिसे यूनिवेलेंट भी कहते हैं। अगला है ऑटो एंटीजन्स और सेल्फ एंटीजन। कभी कभी शरीर के अंदर के भी कोशिकाएं या कुछ पदार्थ एंटीजन्स के रूप में भी काम करने लग जाती है। बिलोंग टू द होस्ट इटसेल्फ इट इज़ नॉट इम्यूनोजेनिक। समटाइम्स द सेल्फ एंटीजन्स आर बायोलॉजिकली अल्टर्ड, जैसे कैंसर कोशिका में होता है, एंड कैन बिकम्स इम्यूनोजेनिक। इम्यूनोजेनिक हो जाती हैं वो अंदर की कोशिकाओं को नष्ट करते हैं और फिर इसी आधार पर ऑटो इम्यून डिजीज होती है। एलो एंटीजेंस आर स्पीसीज स्पेसिफिक हैं, टिश्यूज ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन ए स्पीसीज कंटेंस स्पेसिफिक एंटीजेंस। आइसो एंटीजन आर टाइप्स ऑफ एंटीजन विच आर प्रेजेंट ओनली इन सबसेट ऑफ स्पीसीज। एलो एंटीजन स्पीसीज स्पेसिफिक हैं और ये सबसेट ऑफ स्पीसीज में है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आर हिस्टोकंपेटिबिलिटी एंटीजेंस। द हिस्टोकंपेटिबिलिटी एंटीजेंस आर हाईली स्पेसिफिक एज दे आर यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। इसी के साथ अगला एंटीजेंस था हेट्रो एंटीजेंस। एंटीजेंस बिलोंग टू द टू डिफरेंट स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज में है तो वो हेट्रो एंटीजेंस कहलाता है। दैट इज एंटीजेंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल और माइक्रोब। टी डिपेंडेंट एंटीजेंस है, अधिकांश से जितने भी एंटीजेंस हैं वो टी सेल डिपेंडेंट होते हैं और इनका प्रोसेस जो होता है और ये प्रेजेंट बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहलाती हैं, उनके द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं और वी सेल इनको एक्टिवेशन करती है। टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस, कुछ ऐसे एंटीजेंस हैं सच एज बैक्टीरिया, बैक्टीरियल कैप्सूल जो है, फ्लेजिला है, एलपीएस है, लाइपोपॉलीसेक्राइड जिसे कहते हैं, दैट डू नॉट नीड द हेल्प ऑफ द टी सेल एंड एपीएस। ये टी सेल की मदद नहीं लेते हैं और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की मदद नहीं लेते हैं, ये डायरेक्टली बाइंड टू इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर,
प्रेजेंट ऑफ वी सेल्स, ये डायरेक्टली वी सेल्स से बाइंड हो जाते हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी हो जाती है जिसे बोलते हैं सुपर एंटीजन, ये नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है। दे कैन एक्टिवेट टी सेल डायरेक्टली विदाउट बींग प्रोसेस्ड बाई एपीसी। किसी भी एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स की, प्रेजेंटिंग सेल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकती हैं टी सेल्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकल एंट्रोटॉक्सिन जो हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है और सम वायरल प्रोटीन्स है, ये सुपर एंटीजेंस के रूप में होते हैं, इनको टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली एक्टिवेट। ये कुछ प्रकार हैं एंटीजेंस के और है इम्यूनोजेंस के। आज इतना ही काफ़ी।